सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो पहले आप सबको बताया कि यहाँ पर से हम लोग एक न्यू इवेंट आया, जिसे आप हैकर स्टोर बोल सकते हैं, फिर मोको स्टोर बोल सकते हैं। तो ये वर्जन 3.0 है, इससे पहले 2.0 1.0 आया था। तो शायद पिछले मंथ तो ये आया था या नहीं आया था, तो हो सकता है कि हम लोग के लिए 2.0 नहीं आया, पर डायरेक्टली हम लोग का 3.0 मोको स्टोर आ गया है। तो यहाँ से हम करने वाले आज स्पेस स्पिन, और देखेंगे यहाँ से जो बताया जा रहा है कि 1000 डायमंड में आपको परमानेंट, मतलब आपको जो गारंटी है आपको रेयर आइटम मिलेगा ही मिलता है यहाँ पर। जब मैं ट्राई करूँगा और 1000 डायमंड यहाँ पर स्पेंड करूँगा और देखूँगा कि मेरे को यहाँ से जो मोको स्टोर से रियलिटी में, मतलब जो वो बता रहा है, वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। उससे पहले बता दें, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स है, फिर कोई भी अपकमिंग इवेंट्स होता है, फिर कोई प्रेजेंट इवेंट होता है, मैं आप लोग फुल डिटेल्स के साथ बताता रहता हूँ। एंड गाइस, उससे पहले मेरे को करना पड़ेगा टॉप अप, क्योंकि मेरे पास जो डायमंड है वो मात्र 11 डायमंड है। तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर से करता हूँ 400 डायमंड का टॉप अप। तो मेरे पास तो बैलेंस नहीं है, मेरे जो अकाउंट है उस पर बैलेंस नहीं है गूगल अकाउंट पे, तो मेरे को यहाँ से रिडीम कोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली चाहता हूँ यहाँ पर से पेमेंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो बैलेंस है वो 18 रुपये 87 पैसे मेरे पास बैलेंस है। मैं सिंपली यहाँ पर से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर से मेरे को रिडीम का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ पर से रिडीम कोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ यहाँ पर से रिडीम कोड का यूज। तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक करा, यहाँ से कर देता हूँ यहाँ पर से रिडीम कोड का यूज। तो फाइनली मेरे को यहाँ से 400 रुपये का टॉप अप यहाँ से मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर से रिडीम कोड यूज़ किया, मैंने 400 रुपये का यहाँ से रिडीम कोड यूज़ किया। तो आप फाइनली आप देख पा रहे हैं मेरे 400 यहाँ का जो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों से बहुत सारे लोगों के यहाँ से कमेंट्स होता है कि भाई आप चार्ज, आप जो रिडीम कोड यूज़ करते हैं, यानी कि आप रिडीम कोड कहाँ से परचेज करते हैं और कैसे आप लेते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पेटीएम, और पेटीएम के में बैलेंस कहाँ से चाहिए, पेटीएम के मतलब पेटीएम से अगर मैं यहाँ पर से लेता हूँ तो उसके भी उसमें भी तो बैलेंस कहीं से आना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एप्लीकेशन है विंजो गोल्ड, मैं उसी का यूज़ करता हूँ, और उसमें अभी अभी जो है वहाँ उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है यहाँ पर से। अरे भाई कितना का आया भाई, 210 डायमंड, मतलब क्या चीज़ का है ये। दो सौ दस डायमंड ऐसा मतलब समझ में नहीं आया भाई मेरे को, 210 डायमंड किस चीज़ का दिया वो। तो इवेंट वाले सेक्शन पे आने के बाद मेरे को यहाँ से जो इवेंट चल रहा है टॉप ऑफ डायमंड वाले, अच्छा तो मेरे को यहाँ से जो ये डायमंड है यहाँ से मेरे को मिल चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर से टॉप अप करा, और यहाँ से 100% का हम लोग यहाँ से ये चल रहा है, यानी कि अगर आप जितना डायमंड परचेज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उतना डायमंड दिया जाएगा, यानी कि जितना भी आप टॉप अप कराते हैं आपको मतलब 100% का टॉप अप इवेंट चल रहा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, मैं जो वो यूज़ करता हूँ वो विंजो को यूज़ करता हूँ, तो उस पर भी ऑफर चल रहा है, उस साथ ही साथ उसमें एक मतलब बहुत ही बड़ा धमाका चल रहा है, अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो वहाँ से आप बहुत सारा पैसे आप अर्न कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ से अगर आप एक फ्रेंड को रेफर करते हैं यहाँ से आपको एक टिकट मिलेगा, और आपको ज़्यादा टिकट चाहिए तो आपको ज़्यादा फ्रेंड को रेफर करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपना लक ट्राई करना है तो नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। एक फ्रेंड को रेफर करते हैं आपको यहाँ से जो फुल सक्सेसफुल अगर ट्रांजेक्शन होता है यहाँ से आपको 30 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको 30 से 40 रुपये मिल जाएगी, जो आप जिसमें जो आप गेम पे लगा के यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस 2 दिन पहले मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो फाइनली रिसेंटली ये जो एप्लीकेशन में चेंजिंग हुआ है, अपडेट हुआ है, वो आज ही हुआ, और ये वाला जो ऑफर आया है वो आज ही आया, और ये 30 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद यहाँ से ये वाला ऑफर खत्म हो जाएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पर से डायमंड परचेज कर लिया, और मैं कहता हूँ यहाँ से बैक, क्योंकि यहाँ से वो जो सिस्टम है अब तक गेम के अंदर यहाँ पर से कहीं भी देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा है, अगर स्टोर का भी कहीं भी चीज़ है यहाँ पर से अभी तक नहीं आया, तो ये बाद में आ जाएगा। हो सकता है कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कितना बजे भाई, 16:17 4:17 मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी नहीं आया है, बट बाद में अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर से अगर स्टोर जी यहाँ पर से आपको स्टोर पर देखने अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ से न्यूज़ वाले सेक्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो करते हैं यहाँ से बैक, तो फाइनली मैं करते हैं यहाँ से गेम को बैक। बैक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर से लॉग इन कर दिया हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर से करूँगा यहाँ पर से पिक नाउ, पिक नाउ पर मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ साथ ये मेरे को स्टोर पर सेंड कर देगा डायरेक्टली। तो यहाँ से देखते हैं भाई, लग ट्राई करते हैं यहाँ पर से क्या निकलता है। तो फटाक से खुल जा सिम, तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं मेरे को यहाँ से फाइनली खुल गया है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मेरे को यहाँ से थंबनेल रेडी करना है यहाँ से, तो मैं कर लिया यहाँ से स्पिन, और सही मतलब स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। चल भाई यहाँ से ऐड हो जा, ग्रैंड फ्राइज जोन, सेकेंड फ्राइज जोन। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेना होता है। चूज एन आइटम टू पुट इन टू द प्राइस पूल, तो इसमें से मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ कौन सा। तो फाइनली मैं यहाँ पर से करता हूँ क्यूपिड स्कार, तो यहाँ पर से मैं एक फर्स्ट सेक्शन में एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंड सेकंड सेक्शन में हमारे यहाँ पर से एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं दूसरा क्या सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मेरे पास तो हर चीज़ है भाई, क्या लूँ क्या लूँ। तो ये वाली मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अब मैं करता हूँ यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक,
तो दो आइटम्स मेरे यहाँ पर से, तो देखता हूँ यहाँ पर क्या निकलता है भाई कर स्टोर से, मोको स्टोर से। तो कंफर्म कर दिया मैंने यहाँ पर से, दिए दो आइटम्स आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से टोटल आपको कितने आइटम्स हो गए भाई, दो और दो यहाँ पर से चार, दो छः, मतलब छः आइटम्स यहाँ पर से हो गया, जिसमें से आपको दो रेयर आइटम हो गया और चार यहाँ पर तुच्छा से आइटम आपको दे दिया गया। तो फर्स्ट में जो निकलेगा नाइन स्पिन में, तो नाइन स्पिन में आपको निकलेगा यहाँ से जो तुच्छा से आइटम्स वो आपको वो निकलेगा। तो मेरे को तो लगता है 3 डेज का वाला, और भाई साहब रिनेम कार्ड, चलो भाई ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, 9 डायमंड में आपको यहाँ से ये चीज़ मिल गया, तो मतलब कतई जहर वाली बात हो गया भाई। बैक टू क्लिक करते हैं यहाँ पर से, बाउंटी टोकन बाउंटी टोकन बाउंटी टोकन, मेरे को पता था भाई। तो खैर मैं यहाँ पर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर से जो भी मैंने चीज़ को दिया है मतलब उतना तुच्छा सा आइटम्स नहीं है भाई, एक दो तुच्छा सा आइटम्स तो जो मेरे से ख़त्म हो गया। और फाइनली मेरे को यहाँ से निकलेगा क्या निकलेगा, ये लेवल अपग्रेड का कार्ड, मेरे को पता था। अब दूसरा में निकलेगा क्या निकलेगा, मैकेनिकल विंग्स। तो चलो करते हैं यहाँ पर से क्लिक, है मेरे को पता था भाई ऐसा ही कुछ होगा। और 499 डायमंड देखते हैं क्यूपिड स्कार, ये परमानेंट निकला या फिर मतलब टेम्प्रेरी निकला। तो फाइनली मेरे यहाँ से डायमंड हो चुका है ख़त्म, 1000 डायमंड टोटल का टोटल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। आप देख पा नहीं है मेरे पास जो डायमंड बचा हुआ है वो टोटल मेरे पास यानी कि 57 डायमंड टोटली बचा हुआ है, और मेरा टोटल डायमंड यहाँ से ख़त्म है, चटनी बन गई यहाँ पर से भाई सैंडविच। तो वेट करते हैं यहाँ से, मेरे को क्यूपिड स्पार परमानेंट चाहिए थी, तो यहाँ से ये चीज़ मिलता है, ये परमानेंट मिलता है फिर टेम्प्रेरी मिलता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्यूपिड स्पार मेरे पास जो वो टेम्प्रेरी है कुछ ही दिन के लिए, चंद दिनों का मेहमान है। तो भाई सच में क्या मेरे को वो क्यूपिड स्पार मतलब ये परमानेंटली मिल गया क्या, थोड़ा सा देखें क्या स्टोर पर जाके, कलेक्शन पर चलते हैं। अगर परमानेंट नहीं दिया हो तो फिर मतलब बेकार ही हो जाएगा ना भाई। तो ये वाली बैकपैक आप देख पा रहे हैं मेरे को यहाँ से ये वाली बैकपैक मिली। अरे भाई साहब रुक जा थोड़ा सा, तो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड में आपको ये वाला देखने में अच्छा लगता है, चलने लायक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके वेपन में चलते हैं, वेपन में चलते हैं क्यूपिड स्कार किधर है भाई, परमानेंट हो जाए तो मतलब कोई दिक्कत है। ओ भाई अरे हाँ भाई साहब क्या बात है, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया, फाइनली मेरे को यहाँ से जो क्यूपिड स्कार है वो परमानेंट निकल गया। तो एक्चुअली मैं कन्फर्म नहीं था कि यहाँ से जो चीज़ मेरे को मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा या फिर सिंपली टेम्प्रेरी मिलेगा। तो फाइनली मैंने को यहाँ पर से मैंने 1000 डायमंड वेस्ट किया, जिसमें से मेरे को रिनेम कार्ड मिल गया, साथ ही साथ यहाँ पर से लेवल अपग्रेडर का कार्ड मिल गया, और यहाँ से बैकपैक जो है मेरे को वो वाले मिल गया। तो सही है, इक्वल है, चलने लायक उतना भी खास नहीं है। 1000 डायमंड आपको यहाँ से वेस्ट करना पड़ेगा, जो आपका रेयर आइटम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 डायमंड कन्फर्म आपको यहाँ से डिलीट करना होगा, यानी कि 1000 डायमंड आपको यहाँ से उड़ाना होगा तभी आपको जो ये चीज़ है आपको मिलेगा। तो पहले अगर आप लोगों के पास 1000 डायमंड तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको कन्फर्म है कि रेयर आइटम मिलेगा। और आप कमेंट में बताइएगा इन 6 जो हम लोग दिया है, 3 नीचे में 3 गंदे ऊपर में जो 3 बंडल्स दिया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप वहाँ से ऊपर में बंडल सेलेक्ट करेंगे या फिर नीचे में जो गंदी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास 1000 डायमंड है तभी आप यहाँ से रेयर आइटम निकाल सकते हैं, वरना अगर आप ट्राई कर सकते हैं 9 डायमंड 19 डायमंड 29 डायमंड इस हिसाब से आपको लगता है तो आप दो तीन वर्जन यहाँ से स्पिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रिनेम कार्ड मिल जाए तो भी सही है, लेवल अपग्रेड कार्ड मिल जाए तो भी सही है। बट अगर आपको मतलब उतना में अगर नहीं निकलता अच्छा खासा चीज़, तो आप अपना डायमंड जो वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि गारंटी 1000 डायमंड में आपको निकलेगा। तो 1000 डायमंड मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है भाई, 1000 डायमंड यहाँ नहीं होता है। तो आप लोग कितने स्पिन किए यहाँ से कमेंट स्क्रीन में जरूर बताएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं यहाँ से, मेरे पास जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्यूपिड स्कार का जो मेरे पास बॉक्स है मैं थोड़ा सा उससे ओपन करता हूँ। तो क्यूपिड स्कार का मेरे पास कैरेट से, तो मैं यहाँ पर से देखता हूँ थोड़ा सा ओपन करके मेरे पास क्या निकलता है। मेरे पास टोटल 6 कैरेट है, तो मैं यहाँ पर से एक ओपन करता हूँ स्कैनर, उसके अलावा दूसरा चीज़ निकलेगा नहीं। अरे भाई सब बच गया, दूसरा चीज़ मेरे को पता है निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मेरे पास ये परमानेंट हो गया तो निकलने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो दूसरा चीज़ दे दे भाई, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ से ये स्कैनर के अलावा दूसरा चीज़ देगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये परमानेंट निकल गया। रुक जा भाई डेडली कृष्णा, किधर के कैरेट्स, फिर से करते हैं यहाँ से स्पिन और देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। स्कैनर, फिर से एक और स्पिन स्कैनर। और आप लोग के मन में चलेगा कि भाई आपके पास इतना सारा कैरेट कहाँ से और इसको कब ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर से एक एक करके ओपन कर रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं टोटली एक साथ ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को परमानेंट चाहिए ना। तो मैं यहाँ से एक एक करके ओपन कर रहा हूँ ताकि मेरे को यहाँ से ये चीज़ परमानेंट निकले, चांसेस बने। और मैं जैसे मान लीजिए कि 24 घंटे का निकलता है, तो मैं 24 घंटे का यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ करने के बाद फिर से ओपन करता हूँ तो वो 7 दिन के लिए निकलता है, मैं फिर से उसे यूज़ करा तो फिर से वो 7 दिन के लिए निकलता है। तो इसी हिसाब से मैं निकलता रहता हूँ, और मेरे को बताया कभी ना कभी मेरे को परमानेंट निकल जाएगा। तो मेरे पास ये वाला जो गन की स्किन है, ये वाला भी मेरे पास परमानेंट अभी तक नहीं आया। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से एक एक करके यहाँ से स्पिन कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से परमानेंट निकल जाए। ये जो मेरे पास जो MP40 है ना, ये MP40 ये मेरे को परमानेंट निकल गया है इसी टाइप से,
मतलब एक एक करके मैं ओपन कर रहा था और मेरे को जो MP40 का स्किन ये परमानेंट करके मेरे पास दो बॉक्स अभी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर से यूज़ कर लिया। उसके बाद जो और सब गन की आप देख पा रहे, टोटल में बहुत सारा गन के यहाँ से बॉक्स में ले रखा हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे मेरे पास कितना सारा गन की जो यहाँ से मैंने बॉक्स है वो ले रखा हूँ। इसके बाद ट्रेजरी बॉक्स मैंने 5 यहाँ से ले रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा गन का जो बॉक्स है ले रखा हूँ। तो मैं यहाँ से एक एक करके ओपन करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से परमानेंट चाहिए। यहाँ पर से जो ड्रैगन है इसके मैं 22 बॉक्स अभी भी कलेक्ट कर रखा हूँ। उसके बाद इसका जो 21, उसके बाद इसका 25, उसके बाद यहाँ पर 60, उसके बाद यहाँ पर से 25, उसके बाद यहाँ पर से 3, उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे इसका 30, उसके बाद यहाँ पर से मतलब इतना सारा चीज़ का मैं यहाँ पर से गन का जो बॉक्स कैरेट है ले रखा हूँ। इसको मैं एक दिन ओपन करूँ, एक दिन नहीं भाई, यहाँ पर से एक एक करके ओपन करता हूँ तो इसका मतलब कोई वीडियो नहीं बना सकता भाई। तो बस आज की वीडियो में आपको इतना सही बताना था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।